दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉयलेट सीट्स के बारे में। अगर आप मार्केट में टॉयलेट सीट्स खरीदने जा रहे हो तो कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए टॉयलेट सीट्स या फिर WC सीट्स खरीदते समय। जैसे कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको वॉल माउंटेड सीट के साथ जाना चाहिए या फिर फ्लोर माउंटेड सीट के जाना चाहिए, किसके क्या फ़ायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं, किसकी कितनी क्या कॉस्टिंग होती है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। और ब्रांड्स के बारे में भी हम बात करने वाले, कौन कौन से इकोनॉमिकल ब्रांड्स आपको देखने को मिल जाते हैं और कौन से ज्यादा एक्सपेंसिव ब्रांड्स आपको मार्केट में मिल जाते हैं। साथ ही हम बात करने वाले हैं कि भैया वन पीस सीट की होती है, टू पीस सीट की होती है, और आपने फ्लशिंग सिस्टम्स के बारे में तो जरूर सुना होगा। भैया सिंगल फ्लश होता है, डुअल फ्लश होता है, किसके क्या फायदे होते हैं, किसके क्या नुकसान होते हैं, और लास्ट में हम कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले जो आपको काफी हेल्प करेगी कि जब आप WC सीट्स खरीदने जाओगे। और साथ ही हम बात करने वाले हैं कौन कौन से कॉमन मिस्टेक्स है जिसे आपको अवॉइड करना चाहिए आपकी WC खरीदते समय या फिर WC को इंस्टॉल करते समय। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक सिंह डांगी, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अव्याना इंटीरियर्स पर। तो सबसे पहले बात करते हैं वॉल माउंटेड सीट वर्सेस फ्लोर माउंटेड सीट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपीयरेंस में कौन सी टाइप की सीट अच्छी लगती है, लग्जरी कौन सी टाइप की सीट लगती है। तो सबसे पहले जो वॉल माउंटेड जो सीट होती है वो काफ़ी लग्जरी लगती है, काफ़ी स्लीक लगती है, काफ़ी कॉम्पैक्ट लगती है, और ऐसा लगता है कि ये काफ़ी कम जगह को घेर रही है। और फ्लोर माउंटेड सीट के बारे में हम बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि जो फ्लोर माउंटेड सीट काफ़ी बेकार लगती है, ओट सी लगती है, वो आपको नहीं लगाना चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहा, वो भी काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन अगर हमको वॉल माउंटेड और फ्लोर माउंटेड दोनों को कंपेयर करना है तो डेफिनेटली इसमें जो वॉल माउंटेड सीट होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है, ज़्यादा लग्जरी लगती है एज कम्पेयर टू फ्लोर माउंटेड सीट के बारे में। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े लग्जरी जो रिजोर्ट होते हैं, 5-स्टार होटल होते हैं, 7-स्टार होटल है, उसमें हमेशा वॉल माउंटेड सीट का ही यूज़ किया जाता है। तो अपीयरेंस में कौन जीत जाता है, वॉल माउंटेड सीट जीत जाती है। अब बात करते हैं इन दोनों के कॉस्ट के बारे में, कॉस्टिंग के बारे में। ये पॉइंट मैं इतनी जल्दी इसलिए बताता हूँ क्योंकि जैसा कि जैसे ही हम कॉस्टिंग के बारे में जान लेते हैं कि भैया ये वॉल माउंटेड इतने की, ये वॉल माउंटेड इतने की है, तो हमारे लिए ये सिलेक्ट करना आसान हो जाता है कि भैया इसके साथ जा सकते हैं हम, क्योंकि हमारा बजट ये है और ये हमारा बजट में नहीं आती है, तो इसको हमें देखना ही है, उसके बारे में हमको जानना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो कॉस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप किसी दो चीज़ इंटीरियर के दो चीज़ में कन्फ्यूज हो। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्लोर माउंटेड के बारे में। दोस्तों जो फ्लोर माउंटेड सीट होती है उसकी अगर ब्रांडेड सीट की कॉस्टिंग के बारे में हम बात करें तो वो नॉर्मली 8,000 से लेकर 10,000 के बीच में आपको एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी की सीट आपको मिल जाती है फ्लोर माउंटेड के अंदर। और वॉल माउंटेड सीट के बारे में बात करें तो भैया फ्लोर माउंटेड से डबल द कॉस्ट ऑफ द सीट ये होती है, ये पड़ती है आपके 15,000 से लेके 20,000 तक की भी ये सीट पड़ती है एक अच्छी ब्रांडेड कंपनी की। तो आप यहाँ पर डिसाइड कर लीजिए कि आप अपने WC सीट के लिए या फिर टॉयलेट सीट के लिए 15,000 से 20,000 से 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जा सकते हैं, अगर नहीं तो फ्लोर माउंटेड सीट इज़ द बेस्ट चॉइस फॉर यू। अब बात करते हैं इन दोनों सीट्स के कंपोनेंट्स के बारे में। जनरली जो वॉल माउंटेड सीट होती है उसमें तीन अलग अलग कंपोनेंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहली तो हो गई सीट, दूसरा हो गया आपका जो फ्लशिंग टैंक होता है जो दीवार के अंदर लगाया जाता है वॉल माउंटेड के अंदर, एक दूसरा वो हो गया, और तीसरा हो गया पुश बटन। तो तीन कंपोनेंट होते हैं हमारे वॉल माउंटेड सीट के अंदर। और जो हमारा फ्लोर माउंटेड सीट होती है वो दो टाइप में आती है, एक तो वन पीस सीट होती है, एक टू पीस सीट होती है। वन पीस सीट किसे बोला जाता है, जिसमें जो फ्लशिंग टैंक होता है वो हमारे सीट के साथ अटैच होता है, उस टाइप की सीट को बोलते हैं वन पीस सीट। और टू पीस सीट उसे बोलते हैं जिसमें हमारा फ्लशिंग टैंक जो होता है वो डिटैच होता है, अलग होता है हमारी सीट से, उसे बोलते हैं टू पीस सीट। तो टू पीस सीट को आप अवॉइड करिएगा, आजकल टू पीस का ज़माना गया है। और जो टू पीस के अंदर जो प्लास्टिक टैंक वाली जो सीट आती थी ना भैया, बहुत ही बेकार लगती है और ये आउट ऑफ द फैशन हो गई, वो आउटडेटेड हो गई, उसे आपको अवॉइड करना है, नहीं लगाना है, ठीक है। हमेशा अगर आप फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जा रहे हो तो वन पीस सीट के साथ ही जाइएगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है कि वॉल माउंटेड के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं,
तो जब भी आप वॉल माउंटेड सीट मार्केट में खरीदने जाओ तो तीन कंपोनेंट के अलग अलग प्राइस रेंज उनसे पूछिएगा कि भैया वो फ्लश टैंक का कितना प्राइस है, सीट का कितना प्राइस है और हमारा पुश बटन का कितना प्राइस पड़ेगा, और उन तीनों को ऐड करके पूरी WC की ओवरऑल कॉस्ट आप निकाल सकते हैं। कभी कभार क्या होता है कि हम वॉल माउंटेड सीट खरीदने जाते हैं, सामने वाला बोलता है कि आपको 8,000 में पड़ जाएगी और फ्लोर माउंटेड भी 8 से 10,000 की पड़ जाती है, तो हम ये सोचते हैं कि वॉल माउंटेड सस्ती आ रही है। ऐसा नहीं है, उसने सिर्फ सीट की कॉस्ट बताई है, इसके साथ साथ आपका जो पुश बटन है, आपका सिस्टम जो टैंक हो गया जो वॉल के अंदर लगाया जाएगा, उसकी कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करी हुई है। अगर उसकी कॉस्ट उसमें ऐड करोगे तो वो 15 से 20,000 कभी कभी 25,000 तक की भी सीट पड़ जाएगी। फ्लशिंग टैंक के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो वॉल माउंटेड सीट का जो फ्लशिंग टैंक होता है वो आपके दीवार के अंदर लगाया जाता है, बाहर उसका फ्लशिंग टैंक दिखता ही नहीं है, सिर्फ हमें पुश बटन या फिर जो फ्लश बटन होती है वही दिखाई देती है। लेकिन जो फ्लोर माउंटेड सीट जो होती है, पहले मैंने वॉल माउंटेड का बताया, ठीक है, जो फ्लोर माउंटेड जो सीट होती है उसका जो फ्लशिंग टैंक होता है वो बाहर होता है और वन पीस के अंदर उसमें अटैच होता है, और टू पीस में जो फ्लशिंग टैंक है वो डिटैच होता है। अब हाइट का कंपैरिजन करें तो जो वॉल माउंटेड सीट होती है उसे आप किसी भी हाइट पर प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में होता है कि मुझे थोड़ा ऊपर चाहिए या फिर नीचे चाहिए, उसे आप किसी भी हाइट पर प्लेस कर सकते हैं अपने वॉल पर। और वही अगर हम फ्लोर माउंटेड की बात करें तो वो स्टैंडर्ड साइज में ही आती है, जनरली 15 से 20 इंचेस की ही वो सीट आती है, तो आप उससे ज़्यादा ऊपर नहीं कर सकते, ज़्यादा नीचे नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब बात करते हैं स्पेस रिक्वायरमेंट के बारे में कि किसमें कितना स्पेस रिक्वायर होता है। तो जनरली टेक्निकल देखेंगे तो दोनों टाइप में ही सेम स्पेस हमें लगता है, ठीक है। वॉल माउंटेड की अगर हम बात करें तो उसका जो फ्लश टैंक होता है वो दीवार के अंदर होता है, तो 5 से 6 इंची का जो फ्लश टैंक होता है वो दीवार के अंदर ही लगा जाता है, वो दीवार के अंदर ही स्पेस घेर लेता है, ठीक है। तो हमें दीवार कितनी चाहिए, 2 ईंटों की दीवार हमें उसमें लगानी चाहिए, यानी 8 इंच की दीवार उसकी जरूरत पड़ेगी वॉल माउंटेड सीट में, ठीक है। लेकिन वही अगर हम फ्लोर माउंटेड सीट के बारे में बात करें तो उसमें भी जो 5 से 6 इंच का फ्लश टैंक होता है वो हमें बाहर दिखाई देता है। जनरली दोनों में स्पेस सेम ही लग रही है, लेकिन अगर हम ऊपर से बात करें कि ऊपर से देखने में किसमें कम और ज्यादा स्पेस लगती है, तो वॉल माउंटेड में हमें ऐसा लगता है कि उसमें कम स्पेस लग रही है, काफी स्लीक है, काफी कॉम्पैक्ट है, क्योंकि काफी कम जगह घेर रही है, ऐसा लगता है। वही अगर फ्लोर माउंटेड के बारे में बात करें तो हमें ऊपर से देखने में ऐसा लगता है कि ये ज़्यादा जगह घेर रही है, लेकिन स्पेस टेक्निकली बराबर ही घेर रही है वो आपके बाथरूम में। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे। अब बात करते हैं क्लीनिंग की। क्लीनिंग बहुत ही एक मेजर फैक्टर होता है बाथरूम में ये डिसाइड करने के लिए कि आपको वॉल माउंटेड के साथ जाना चाहिए या फिर फ्लोर माउंटेड किचन के साथ जाना, किचन नहीं फ्लोर माउंटेड टॉयलेट सीट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि बाथरूम में अगर क्लीनिंग नहीं हो, स्वच्छता बाथरूम में नहीं हो, तो मतलब नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर डेफिनेटली जो वॉल माउंटेड सीट होती है उसके नीचे खाली स्पेस आपको देखने को मिल जाती है, तो आपका जो नीचे का जो फ्लोर होता है, फर्श होता है, पीछे की दीवार होती है, उसे आसानी से क्लीन कर सकते हैं, इजी टू क्लीन होता है। वही अगर फ्लोर माउंटेड सीट के बारे में बात करें तो उसमें नीचे किसी टाइप का खाली स्पेस नहीं होता है, और फ्लोर माउंटेड की जो सीट होती है जो नीचे PVC पाइप में लगाया जाता है, जहाँ पर ग्राउटिंग फील होती है, वहाँ पर भी काफ़ी कभी कभी बार काफ़ी डस्ट और डर्ट फंसने के चांसेस होते हैं और फंस ही जाते हैं, और उसे क्लीन करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो क्लीनिंग के मामले में जो वॉल माउंटेड सीट होती है वो जीत जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंस्टॉलेशन के बारे में। तो फ्लोर माउंटेड सीट को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी होता है, इजी टू इंस्टॉल होता है, उसमें काफ़ी स्किल्ड लेबर की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, किसी स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। लेकिन वहीं अगर हम बात करें वॉल माउंटेड सीट के बारे में, तो वॉल माउंटेड में आपको स्किल्ड और एक्सपीरियंस पर्सन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है, हर कोई उस वॉल माउंटेड सीट को नहीं लगा सकता, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि जो वॉल माउंटेड सीट का जो टैंक होता है, सिस्टर्न या फिर फ्लश टैंक होता है, वो आपके दीवार के अंदर 8 इंची दीवार के अंदर सबसे पहले उसे फिट करा जाता है। फिट करने के बाद जो आपकी CPVC प्लम्बिंग लाइन होती है उसमें आपको अटैच करना पड़ता है, और वो सही तरीके से अटैच नहीं हुआ, सही तरीके से फिट नहीं हुआ, तो बाद में इन फ्यूचर 3 साल बाद 5 साल बाद आपको वो प्रॉब्लम
दे सकता है। तो एक्सपीरियंस मिस्त्री की बहुत जरूरत होती है। तो और जो वॉल माउंटेन सीट होती है, वॉल माउंटेड जो सीट होती है, कभी कभी अगर मैंने माउंटेन बोल दिया माउंटेड की जगह, तो सॉरी फॉर डेट, वो माउंटेड है। तो जो वॉल माउंटेड सीट होती है उसको इंस्टॉल करना थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और लिटिल डिफिकल्ट होता है। मेंटेनेंस की अगर हम बात करें तो मेंटेनेंस में दोनों में इतना ज़्यादा कोई ऐसा फर्क नहीं है, दोनों बराबर ही मेंटेनेंस मांगता है या फिर बहुत ही कम मेंटेनेंस मांगता है। लेकिन जो वॉल माउंटेड सीट जो होती है उसमें अगर कभी कभी बार बाई चांस अगर जो फ्लश टैंक है जो दीवार में लगा हुआ है वॉल माउंटेड में, वो अगर ख़राब हो गया, अगर किसी प्रकार में उसने जो फ्लश पुश बटन होता है या फिर किसी प्रकार का टैंक में गंदगी या फिर डस्ट फंस गई है, तो उसमें उसे क्लीन करना, उसमें रिपेयर करना काफ़ी हेडेक का काम होता है। सबसे पहले तो आप बाहर के जो दीवार पर टाइल लगाया हुआ है या फिर ग्रेनाइट लगा उसे निकालोगे, पुट्टी और बॉल इन सबको निकालोगे, फिर फ्लश टैंक को निकालोगे, फिर रिपेयर करने के लिए बंदर लाओगे, वापस से उसे रिपेयर करोगे, टाइल लगाओगे, तो बहुत झंझट का काम हो जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर बार हो जाता है, लेकिन कभी कभी बाई चांस अगर हो गया, फ्लश टैंक खराब हो गया, तो उसमें मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन फ्लोर माउंटेड में ऐसा कुछ नहीं है, सारा कुछ फ्लश टैंक सब कुछ बाहर होता है। बाई चांस अगर कुछ फ्लश टैंक या फिर पुश बटन हमारा ख़राब भी हो गया है, तो हम उसे रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आप ब्रांडेड कंपनियों के साथ जाओगे, ब्रांडेड कंपनियों की वॉल माउंटेड सीट लोगे, तो उसमें तो आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी और बहुत ही ज़्यादा गारंटी आपको मिलती है, तो उसमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो अब तक मैं सारे चीज़ों को कंक्लूड करूं तो आपका अगर बजट का कोई इशू नहीं है, आपको एकदम लग्जरी टॉयलेट चाहिए, एकदम स्लीक सिंपैक्ट और कॉम्पैक्ट और आपको स्टाइलिश टॉयलेट सीट चाहिए, तो आप डेफिनेटली आप वॉल माउंटेड सीट के साथ जा सकते हैं। और बहुत सारी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनी आती है वॉल माउंटेड सीट के लिए। और वही अगर आपका बजट इशू है, आप नहीं चाहते हैं कि आप अपने टॉयलेट सीट के लिए 20,000-25,000 रुपये इन्वेस्ट करो, तो आप डेफिनेटली फ्लोर माउंटेड सीट के साथ भी जा सकते हैं। और फ्लोर माउंटेड सीट भी काफ़ी सारे टाइप्स के डिज़ाइंस और स्टाइलिश सीट में भी आपको आज मार्केट में देखने को मिल गई है, उसके साथ भी आप जा सकते हैं। और एक टिप मैं आपको दे देता हूँ कि अगर आपके यहाँ का जो पानी है वो काफ़ी हार्ड पानी है या फिर कभी सोल्टी पानी है, तो उसमें आपको जो वॉल माउंटेड सीट को अवॉइड करना है, क्योंकि जो हार्ड पानी या फिर सोल्टी पानी होता है जो आपका वॉल माउंटेड सीट का जो फ्लश टैंक होता है उसे ख़राब कर देता है। तो इसीलिए अच्छा होगा कि आप फ्लोर माउंटेड सीट के साथ ही जाइएगा इस केस में। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि आपको वॉल माउंटेड के साथ जाना है या फिर फ्लोर माउंटेड के साथ जाना है। सेकंड, अब हम बात करते हैं वन पीस सीट के बारे में और टू पीस सीट के बारे में। ये मैं आपको ऑलरेडी बीच में बता चुका हूँ। वन पीस सीट क्या होता है, जिसमें जो फ्लश टैंक और जो सीट होती है वो अटैच होती है एक दूसरे के साथ, और जो टू पीस सीट होती है जिसमें जो फ्लश टैंक होता है वो डिटैच होता है एक दूसरे के साथ। तो आपको हमेशा वन पीस सीट के साथ ही जाना चाहिए अगर आप फ्लोर माउंटेड सीट के साथ जा रहे हो तो, और टू पीस सीट को हमेशा अवॉइड करिएगा, क्योंकि ये आउटडेटेड हो गई है, आउट फैशन हो गई है। और टू पीस सीट के अंदर जो प्लास्टिक वाले जो फ्लश टैंक आते थे ना, जो हम बहुत पहले यूज़ करते थे, उसका ज़माना गया है भाइयों, उसे मत यूज़ करिएगा। अच्छा होगा कि उसकी जगह आप हमेशा वन पीस सीट का ही यूज़ करें। अब बात करते हैं फ्लशिंग सिस्टम के बारे में। तो फ्लश के अंदर आपको दो टाइप के फ्लशिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है। एक तो हो गया सिंगल फ्लश सिस्टम, एक हो गया डुअल फ्लश सिस्टम। सिंगल फ्लश सिस्टम में आप सिर्फ सिंगल बार एक ही बार फ्लश कर सकते हैं, 4.8 लीटर की कैपेसिटी होती है उस फ्लश टैंक की। और डुअल फ्लश सिस्टम में आपको दो टाइप के फ्लशिंग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो हो गया 4.8 लीटर का फ्लश और दूसरा हो गया छोटा वाला फ्लश, यानी 3 लीटर का फ्लश हो गया। या फिर सॉलिड वेस्ट को अगर आपको फ्लश करना है तो आपको 4.8 लीटर का फ्लश दबाना पड़ेगा, वही अगर आपको किसी और दूसरे काम में लेना है तो आप 3 लीटर का पुश कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो डुअल फ्लश के साथ भी आप जा सकते हैं, काफी अच्छा चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, और इसमें कुछ ऐसा आगे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड सीट्स के बारे में। तो मैं सिंपल से टू द पॉइंट यहाँ पे मैं आपको आंसर देता हूँ कि आपको हमेशा ब्रांडेड सीट्स के ही साथ जाना चाहिए।
और अगर वॉल माउंटेड सीट को अगर फाइनलाइज कर रहे हो आप, तो आपको तो हमेशा ब्रांडेड कंपनियों के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि ब्रांडेड कंपनियों में आपको क्वालिटी अच्छी मिलती है और एक ट्रस्ट रहता है कि हाँ यार हमने एक अच्छी कंपनी से खरीदी है ये सीट, तो ये लाइफ टाइम तो नहीं, 8 से 10 साल तो ये आराम से चलती है और वो 8 से 10 साल की गारंटी भी वो कंपनी आपको प्रोवाइड कराते हैं। सर्विस उसकी अच्छी होती है, लाइफ स्पेन उसकी अच्छी होती है, तो आपको डेफिनेटली ब्रांडेड कंपनियों के साथ जाना चाहिए। और उनका जो मेंटेनेंस होता है वो भी काफ़ी कम होता है वो, और वही अगर आप नॉन ब्रांडेड सीट्स के साथ जाओगे तो उसमें आपको ऐसी क्वालिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, अच्छी सर्विस भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, और हमारा क्या है कि ट्रस्ट नहीं बनता है कि यार नॉन ब्रांडेड हर किसी से उठा लिया तो उसका ड्यूरेबिलिटी या लाइफ स्पेन भी उसका अच्छा आपको देखने को नहीं मिलता है। और बेशक जो नॉन ब्रांडेड सीट्स होती है वो आपको आधे दाम में मिल जाएगी, लेकिन वही तो बात फंस गई यार, उसकी क्वालिटी और उसकी जो सर्विस वो प्रोवाइड करती है ना, उतनी ज़्यादा वो सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पाती। अगर आपकी जो ब्रांडेड सीट है वो 10,000 रुपये की मिल रही है, वही अगर आप उसी सीट को नॉन ब्रांडेड में लोगे तो वो 5,000, 4,000, 6,000 में भी आपको मिल जाएगी, यानी आधे दाम का फ़र्क आ जाता है। लेकिन आपको हमेशा ब्रांडेड के साथ ही जाना चाहिए। अब बात करते हैं ब्रांड्स के बारे में। आपने बता तो दिया कि भैया ब्रांडेड कंपनियों के साथ जाना चाहिए, तो कौन कौन सी है नाम तो बताओ। सबसे पहले इकोनॉमिकल ब्रांड के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हो गया सेरा, सोमानी और जॉनसन, ये सब इकोनॉमिकल रेंज की कंपनियां हैं, इनके साथ आप जा सकते हैं। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है और ब्रांडेड में जाना है तो आप सेरा, सोमानी और जॉनसन के साथ जा सकते हैं। वही अगर आपका थोड़ा सा आप हाई बजट में जाना चाहते हैं तो आप हिंडवेयर हो गया, एक जेगवार हो गया, और हाल ही में एशियन पेंट्स ने भी अपनी WC सीट्स रिलीज़ कर दी है, तो उनके साथ भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है अगर आप अपने घर के लिए, अपने बाथरूम के लिए WC सीट्स या फिर टॉयलेट सीट्स खरीदने वाले हो। सबसे पहली ट्रिक, रिमलेस वर्सेस रिम। हमेशा आपको रिमलेस के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इजी टू क्लीन होती है, हाइजीन होती है और काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी अच्छी सर्विस देती है, तो हमेशा रिमलेस सीट के साथ ही आपको जाना चाहिए। सेकंड, जो ओल्ड फैशन वाली जो प्लास्टिक सीट्स होती है, यानी प्लास्टिक वाले जो फ्लशिंग टैंक वाली 2-पीस सीट होती है, उसे अवॉइड करना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुका हूँ। थर्ड टिप ये है कि आपकी जो WC सीट्स आप जो डिसाइड कर रहे हो, चाहे आप वॉल माउंटेड कर रहे हो या फिर फ्लोर माउंटेड कर रहे हो, वो आप पहले से ही डिसाइड करके चलिए, एडवांस में उसे प्लान करके चलिए। उसका मॉडल नंबर, कौन से ब्रांड का आप लेने वाले हो, उसका काम शुरू होने से पहले ही आप ये सब डिसाइड कर लीजिए, ताकि बाद में किसी प्रकार की जो प्लम्बिंग लाइन्स फिटिंग में, उसके साइज फिटिंग में, उसमें दिक्कत ना आए। अगर आप बाद में डिसाइड करोगे, अगर पहले ही प्लम्बिंग लाइन्स आपने फिट करा दिए, तो प्लम्बिंग लाइन्स को फिर जॉइंट्स खोलकर फिर टेढ़ा करना पड़ेगा, फिर दीवार में जिरी काटना पड़ेगा, तो ज़्यादा झंझट हो जाएगी भैया, वो हेडेक का काम हो जाएगा। तो अच्छी बात यह है कि आप पहले से ही डिसाइड करके चलो कि आपको कौन से ब्रांड और कौन से मॉडल और कौन से साइज की सीट को लगवाना है अपने बाथरूम में। नेक्स्ट टिप है कलर ऑफ द सीट। आज मार्केट में 2 टाइप या फिर 3 टाइप की कलर ऑफ द सीट्स मार्केट में अवेलेबल है, और बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि आज 3 टाइप की कलर में आपको सीट अवेलेबल देखने को मिल जाती है। जनरली हमें ये पता होता है कि सीट कौन से कलर की, वाइट कलर की, और 90% 95% ऑफ द जो लोग होते हैं वो व्हाइट कलर की ही सीट को यूज़ करते हैं, क्योंकि सीट है यार व्हाइट कलर का ही, जो थीम चलती रही कि सीट चाहिए तो व्हाइट कलर की सीट चाहिए। लेकिन आज मार्केट में ब्लैक कलर की सीट्स और क्रीम कलर की सीट्स भी आपको देखने को मिल जाती है। अगर आपने बाथरूम का जो थीम है वो पीछे की वॉल है, लाइट कलर की वॉल दे रखी है, तो आप डेफिनेटली वहाँ पर ब्लैक कलर की सीट में जा सकते हो। और जो ब्लैक कलर की जो वॉल माउंटेड सीट होती है काफ़ी अच्छी लगती है, स्लीक लगती है और काफ़ी लग्जरी बाथरूम बनाने में काफ़ी हेल्प करती है। और इसी में नेक्स्ट ट्रिक ये है कि जो आपने सीट होती है वो आपके जैसे ही आपके घर पर आती है, आपके शॉप से आपके घर पर आती है, तो सबसे पहले उसे आप अच्छे से चेक कर लीजिए अगर किसी प्रकार का क्रैक उसमें तो नहीं है। कभी कभार क्रैक होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, वो बिल्कुल हेयरलाइन क्रैक होते हैं, तो उसे अच्छे से सबसे पहले चेक कर लीजिए। अगर किसी प्रकार का हेयरलाइन क्रैक भी हो, कोई सा भी डैमेज भी हो, तो उसे वापस से रिप्लेस करा दीजिए, उसके बाद ही उसे इंस्टॉल कराइएगा। फिर बाद में क्या होता है कि हम बाद में डीलर को बताते हैं कि भैया इसमें ऐसा क्रैक है, डीलर के पास जाते हैं तो वो मानता नहीं है कि भैया ये तो आपके साइट पर जाने के बाद आपके किसी कारीगर या मिस्त्री ने कर दिया होगा, या फिर पहले नहीं था यार, अभी आपके साइट पर हुआ है। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ती है। तो सबसे पहले आपके घर में सीट आइए,
चेक कर लो यार किसी प्रकार का क्या ही जा रहा है। तो आई थिंक मैंने इस वीडियो में सारी ही वो बातें शेयर कर दी है आपके साथ, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। जब भी अगर आपको सीट्स, टॉयलेट सीट्स आपको खरीदने जाना होता है या फिर टॉयलेट सीट्स इंस्टॉलेशन का आपके घर में काम चल रहा होता है, कमेंट सेक्शन में मुझे फिर भी लिखकर बताइएगा क्या मैंने आपका डाउट सॉल्व करा है या नहीं करा है, या फिर कुछ आपका डाउट्स रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आपका मैसेज ड्रॉप मुझे कर सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई दूंगा। कैसा लगा दोस्तों आपको ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप अपने फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इस वीडियो को शेयर करीजिए। मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में किसी अगले धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।